ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम हनुमते नमः। ओम राम रामाय नमः। कर्क राशि नवंबर 2022 राशिफल कैसा रहेगा कर्क राशि वालों के लिए, अप टू मैं जनवरी कहूँगा बढ़िया रहेगा। जनवरी के बाद आपका फिर ढैया शुरू हो जाएगा, वो अलग रहेगा, लेकिन अभी फ़िलहाल आपके लिए एक अपॉर्चुनिटीज़ है, मौका है। संभाल लें सब कुछ को, बना लें अपने को, तैयार हो जाएं आने वाला कष्ट पीड़ाओं को झेलने के लिए। जरूर इस समय जो टाइम है, अगर आपका दिमाग सही काम कर रहा है, करता तो नहीं है लेकिन अगर कर रहा है और होश में हो, कुंडली विश्लेषण करा लें किसी से भी, आपके इर्द गिर्द जो भी हैं, मेरे से कराएं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, और तैयारी कर लें अभी से अपने आने वाला 2.5 साल के लिए। क्योंकि मैं वृष राशि वालों का, मेष राशि वालों का ढैया से देखते देखते आ रहा हूँ। ज़्यादा देखना पड़ा ढैया को, क्योंकि मेष वाले भी ढैया में प्रचंड कष्ट पाए थे, मृत्यु तुल्य पीड़ा शनिदेव दिए, वृष वालों को भी दिए। मिथुन वालों तो दे ही रहे हैं, मिथुन वालों का हालत टाइट है, ताला टाइट करके रख दिए थे। तो इसी हिसाब में मैं कहूँगा कर्क वाले भी बी अलर्ट फॉर दिस। बात करते हैं इस नवंबर महीना का स्वास्थ्य कैसा रहेगा। दो दो ग्रहण से गुजर चुके हैं आपके लग्नेश, और स्वाभाविक बात है शनि का दृष्टि यहाँ पर है, और कुछ दिन के लिए मंगल भी आपके द्वादश से फिर एकादश में, लेकिन आप बच रहे हो शुभ ग्रह गुरुदेव का दृष्टि से, तो स्वास्थ्य का कंडीशन कहीं से भी शुभ ग्रह का दृष्टि आता है तो बढ़िया रहता है, नो डाउट, कोई दो राय नहीं है। और शनिदेव का भी मार्गी दृष्टि है तो स्वाभाविक बात है वहाँ कहीं ना कहीं से थोड़ा सा पेन प्रॉब्लम का रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य आपके लिए ठीक ठाक रहेगा गुरु के दृष्टि के लिए। परंतु ये जो ग्रहण और 8 तारीख का ग्रहण कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्थिति को बिगाड़ सकता है, इसमें कोई चिंता का बात नहीं है। चिंता का बात नहीं है इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गुरु का दृष्टि है, और गुरु का दृष्टि होता है तो फिर आगे ले ही जाते हैं। आपका वाणी कुटुंब धन कैसा रहेगा, अपने से तृतीय में फिर चतुर्थ में जाएंगे, आपके लग्न से ये पंचम स्थान जाएंगे, हैं चतुर्थ में चल रहे हैं कर्क वाले, तो इस क्षेत्र में उनको चाहे कितना भी ग्रहण लग जाए, कितना भी कंडीशन खराब हो जाए, मैं कहूँगा ग्रहण के बाद बाद आप देखोगे ये स्थिति सुधरेगा। मन कहीं ना कहीं ड्यू टू ग्रहण और ये स्थिति के लिए बिगड़ेगा जरूर, डिप्रेशन में आएंगे जरूर, मन में कई प्रकार के उथल पुथल अहेतुक चिंता ओवर थिंकिंग रहेगा, लेकिन फिर भी इसके बाद आप सेफ जोन पे चले जाओगे। नेचुरली ये कर्क और सिंह वाले साल में जब भी ग्रहण का जो 2-4 कंडीशन आते हैं तो उसमें अफेक्टेड होते ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो तो आवाहमान समय से आते आते जा रहे हैं, तो क्या हो जा रहा है कुछ ऐसा नहीं, ऐसा चिंता करने का बात नहीं। अगर आप आध्यात्मिकता में हैं, थोड़ा सा योग ध्यान प्राणायाम और स्पिरिचुअलिज्म और ईश्वर भक्ति में हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। अगर नहीं है, लौकिक जीवन जी रहे हैं आप, वस्तुवादी और भौगिक जीवन जी रहे हैं, फिर राम बचाए, तो ये भूमि भवन वाहन मन ये भी एक एक्सिस में, ग्रहण के एक्सिस में है, राहु केतु जैसे पाप ग्रह में हैं, सुख का स्थान पे पाप ग्रह रहना नेचुरल बात है, विच्छेदात्मक प्लैनेट रहना माता मन ये तो समस्या करता ही है, लेकिन इसके बावजूद भी ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट अफेक्ट कर देंगे ऐसा नहीं दिख रहा है। अगर दशा फल आपके अच्छा चल रहा है, शुभ टाइम है, तो बहुत ज़्यादा समस्या नहीं रहेगा, लेकिन बैड पीरियड चल रहा है, दशा सपोर्ट नहीं है, तो कहीं ना कहीं इन सब क्षेत्र में थोड़ा सावधान रह के चलना है, क्योंकि ये 2 महीना 2.5 महीना तक ग्रहण का एनर्जी वहाँ रहता ही है, तो कहीं ना कहीं गलती कराएगा इस समय। इन प्रकार के निर्णय, भूमि भवन वाहन के निर्णय
थोड़ा सावधानी से लेना, प्रॉपर्टी के मैटर में थोड़ा सावधानी में रहना, मन कहीं बिगड़ सकता है तो इसके लिए भी आपको थोड़ा सोच समझ के इन क्षेत्रों में काम करना चाहिए। शिक्षा का बात करें तो आपके लिए ये कहीं ना कहीं से बहुत बेस्ट रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और प्रेम प्रसंग का बात भी करें तो ये थोड़ा गड़बड़ाने का संभावना जरूर दिख रहा है, आपका ही नहीं सबका चल रहा है। बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं, उसका भी एक घंटा का वीडियो बनाने का प्लानिंग कर रहा हूँ। भाई बिगड़ा हुआ है सबका शुक्र। अब शुक्र खुद कंबस चल रहे हैं तो नारियों के ऊपर इफेक्ट है, ये कहीं ना कहीं विभ्रांति और विभ्रम में चल रहे हैं। तो ये जो विगत एक डेढ़ महीना से मैं देख रहा हूँ परिस्थिति सबका बिगड़ा हुआ है, तो आपका भी बिगड़ता हुआ दिख रहा है। और एक कर्क वाले तो फ़ोन कर दिया, डायरेक्ट फ़ोन उठा के बात करता है, महाराज बताओ मेरा प्रेम जीवन बनेगा बिगड़ेगा, आगे ठीक होगा कि नहीं, क्या उत्तर दे सकते हैं। अब शुक्रदेव अपटू जब तक मकर तक नहीं घुसते हैं तब तक ये प्रॉब्लम देंगे आपको, उसमें कोई दो राय नहीं है भाई। इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर ही फ़ोन किया था, ठीक है, तो बाद में मैं और उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, बेचारा है। तो आगे चलते हैं, आपके दाम्पत्य जीवन, ये नवंबर महीना शनि स्मूथ अभी चल रहे हैं और आपके सप्तम स्थान में हैं, तो शनिदेव जहाँ रहते हैं नेचुरली अगर आप डिसिप्लिन में चलते हो, अगर आप झुक के चलते हो, अगर आप बातों को प्यार से सल्टा के लेते हो, सल्टा के मतलब हमारा भाषा है सल्टा लो, तो अच्छा चलेगा। नहीं तो जब अतिचारी होते हैं या ये राशि संधि स्थिति रहता है तो थोड़ा समस्या जरूर रहता है जाते जाते। लेकिन इसमें कर्क वालों के लिए एक बात और भी आगाह कर दूं कि शनिदेव जब मार्गी हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं माइक्रो लेवल पे आप देखोगे कि ढैया शुरू होने का इम्पैक्ट कर्क वालों के ऊपर आना चालू हो चुका है। तो इसलिए आप अपने को शनि के रेमेडीज़ का काम करना चालू कर दें। अब बात करते हैं आपके भाग्य का स्थिति। बम बम, कोई चिंता नहीं, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब मैं कहूँगा कि कर्क वाले अभी भाग्य के पावर से ही चल रहे हो। करियर का क्षेत्र राहु, राहु जिसका दस में दुनिया उसका बस में, चिंता का कोई बात नहीं। लेकिन करियर के क्षेत्र में और आपके सुख के क्षेत्र में ग्रहण लगने वाला है, इसलिए सावधान बहुत जरूरी है। किसी भी प्रकार का निर्णय इस करियर के क्षेत्र में आपके लिए गलत निर्णय बहुत भारी पड़ सकता है। और अपॉर्चुनिटीज जरूर देंगे लेकिन राहु बैठा है, कोई बहुत अच्छा होप करके नहीं चलोगे, धोखा का संभावना कहीं ना कहीं से दिख रहा है। लाभ और इन्वेस्टमेंट चिंता मत करो, ये पूरा अपॉर्चुनिटीज है आपको। नवंबर दिसंबर जनवरी तक आप जरूर बहुत अच्छा निर्णय ले सकते हैं और कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं मना करूंगा ग्रहण के महीना में इस प्रकार के बड़े निर्णय आपके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा चिंता का विषय बन सकता है। लेकिन किसी बड़े गुरु बुजुर्ग नॉलेजियस आदमी के विचार लेके आप धन का इन्वेस्टमेंट और सॉलिड इन्वेस्टमेंट और सही लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए मेरे दृष्टिकोण में अच्छा रहेगा। बिजनेस व्यवसायी लोग जो लोग हैं आपके लिए ये दो तीन महीना क्या नवंबर महीना एक डिफेंसिव जोन पे चलने का मैं कहूँगा, जो लोग व्यवसाय वर्ग हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब बेल बटन। नमस्कार।